हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ हेयर कट, बहुत ही पतले और हल्के बालों की फ्रंट बैंग्स एंड बैक हेयर कट कैसे करने वाली हूँ, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और टिप्स बता देती हूँ, अगर आपको सर्दी में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक मीडियम साइज का रेड कलर वाला प्याज, ऑनियन प्याज ले लेना है, और आपको लेनी है 4-5 कलियाँ लहसुन की, और आपको उसमें ऐड करना है 2 चम्मच मेथी दाना, जो कि आप सब्जी में छौंका लगाने के लिए यूज करते हो मेथी दाना। इन तीनों को एक पतीले में ले लीजिए, उसमें 1 ग्लास पानी डाल दीजिए मीडियम ग्लास से, और उसको 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे उबालिए। जब पानी एकदम रेड हो जाए उसको छान लीजिए, और उसको ठंडा करके अपने बालों की जड़ में मसाज कीजिए। इससे आपके बालों का डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, 2 मुहे बालों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बाल बहुत ही सॉफ्ट और शाइनिंग हो जाएंगे, और आपके बाल झड़ने भी काफ़ी हद तक रुक जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, तो बहुत ही इफेक्टिव है। मुझे भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी, इसी से ख़त्म हुआ है, और मेरे घर में सभी यूज करते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हाँ, आज का टॉपिक है हेयर कट, जो कि बहुत ही पतले और हल्के बालों की कटिंग करने वाली हूँ मैं, बैंग्स और एंड बैक, फ्रंट बैंग्स एंड बैक से किस तरीके का कट है, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल के नीचे रेड कलर का जो बटन है उसको जल्दी से क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा इंस्टा आईडी नहीं पता है तो मेरी इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24। वहाँ पर मैं अपनी रील्स वीडियो एंड पिक्स अपलोड करती रहती हूँ, ब्राइडल मेकअप की भी पिक्स अपलोड करते रहती हूँ, तो आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, तो जरूर जाइएगा, चेक कीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिस पे मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज अपलोड करती हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो देखने में इंटरेस्ट हो तो जाइए मेरे चैनल पे, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल पे, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड कर दूँगी, तो जाके जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर, चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप इनके बालों को देख सकते हो कैसे हैं, इनके बाल काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं, बहुत पतले हो चुके हैं, और लेंथ थी लेकिन बहुत पतले थे, हल्के थे, इस वजह से ऊपर की तरफ ऐसे सिकुड़ सा गया था बाल। अभी मैं कॉम करके इनके लेंथ अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को, और बहुत उलझे भी हुए थे बाल इनके, ये देखिए लेंथ यहाँ तक है, बट बहुत पतले होने की वजह से ऊपर की तरफ ये चला जा रहा था। तो फ्रंट बैंग्स कट भी होगा इनका, तो देखते रहिए आप वीडियो पूरा एंड तक। तो सबसे पहले बालों को अच्छे से सुलझाएंगे, गीला करेंगे, ओके। अच्छे से सुलझा रहे हैं, नीचे से देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए हैं बाल इनके। तो जब तक बाल अच्छे से सुलझ ना जाए, एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, पूरा अच्छे से सुलझ जाए, अच्छे से कॉम अपने आप फिसलने लग जाए, उसके बाद ही आपको कटिंग स्टार्ट करनी है। तो ऊपर से भी इनके बाल उलझे हुए थे, तो मैं पूरा सुलझा रही थी। आप जब भी कटिंग करते हो तो बीच की पार्टिंग ले लेनी है, तो मिडिल पार्टिंग मैंने यहाँ पे बीच की मांग निकाल ली है, और अच्छे से कॉम कर रही हूँ दोबारा से बालों को। तो जब अच्छे से कॉम हो जाए, अच्छे से सुलझ जाए बाल, उसके बाद ही कटिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे लगभग बाल अच्छे से सुलझ चुके हैं, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पतले बाल हैं, बहुत हल्के हैं। तो चलिए अभी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इतना लेंथ इनका निकालना पड़ेगा, 7 से 8 इंच तक, क्योंकि बहुत पतले बाल हो गए हैं, तो लेंथ का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना लेंथ निकाल देंगे जहाँ से कि वॉल्यूम अच्छी दिखे बालों की। तो यहाँ से जो ऊपर कट हुआ है पहले से, उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग साइड साइड का दिखी रहा हमारा, वहाँ से हम लोग कट कर देंगे पूरे बालों को, ओके। तो जितना मैंने पकड़ा था उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही कट कर दिया है, ओके। अब अच्छे से कॉम करके चेक कर लेंगे कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं है, जहाँ से ऊपर नीचे होगा वहाँ से दोबारा आप कट कर लो, ओके। तो यहाँ से थोड़ा सा जहाँ से कम ज़्यादा लगे वहाँ से कट करना है। तो इस तरीके से कॉम में टाइट एकदम पकड़ के बालों को चेक कर सकते हो कि
कहाँ से छोटा बड़ा है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग कट कर देंगे बालों को। ओके तो ये इस तरीके से पूरे बालों को एकदम स्ट्रेट कट कर लेंगे। तो स्ट्रेट कट करने के लिए आप इस तरीके से चेक करके और कट करोगे तो परफेक्ट स्ट्रेट कट होगा बालों का। ओके तो ये लगभग हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया बैक से। अभी फ्रंट का कट करना है, थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम लोग कट कर देंगे यहाँ से। ओके तो हो गया हमारा परफेक्ट स्ट्रेट हेयर कट। अभी हम लोग फ्रंट से कट करेंगे। तो फ्रंट से कट करने के लिए पहले मैं इनको इधर से घुमा लूँ ताकि कैमरे में दिखे अच्छे से। भी यहाँ से इस तरीके से हेयर को लेंगे। और फिर अच्छे से कॉम करेंगे, एकदम नोज के सामने लेके आएंगे हेयर को, नाक के एकदम सामने। और जितनी लेंथ रखनी होगी इस तरीके से वी शेप में हेयर को निकाला है मैंने ऐसे, ये देखिए दोनों साइड से। अब इसको अच्छे से कॉम करेंगे और जितना भी लेंथ चाहिए उतना आप कस्टमर से पूछ लो, उसके अकॉर्डिंग आप कट कर दो बालों को। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा हेयर कट। गाइज इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाले चैनल पे भी ज़रूर जाइए व्लॉग वीडियोस देखने के लिए। तो वाह बहुत अच्छा फ्रंट लुक आया था। तो ये देखो आप कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और भी हेयर कटिंग देखने के लिए ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और इनका हेयर कट भी अच्छा लगा हो। और जो मैंने हेयर के लिए सीरम बताया है वो जरूर ट्राई कर लीजिएगा, और नए वाले चैनल पे जरूर जाइएगा इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल पे, और उसको भी सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।